हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमराज और मैं आया हूँ आपको गणित पढ़ाने। तो गणित में हम कक्षा 10th की जो सेकंड प्रश्नावली है इसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलीनोमियल्स। इसके हम पहले 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और आज हम लेके आए हैं पार्ट 3। फर्स्ट लेक्चर यानी कि पॉलीनोमियल्स का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें शून्यांक और शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल के बारे में बात किए थे। और सेकंड चैप्टर में जो शून्यांक को देखकर जो समीकरण ज्ञात करते हैं वो ज्ञात की थी। और आज हम एक इम्पोर्टेंट बोर्ड की नजरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बोर्ड की नजरों से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज हम करेंगे, जिसका नाम है एल्गोरिथम विधि से भाग। एल्गोरिथम विधि से जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी सीख सकता है इस वीडियो से। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, विभाजन एल्गोरिथम यानी विभाजन यानी कि भाग करना है एल्गोरिथम विधि से का प्रयोग करके। निम्न में पी एक्स को जी एक्स यानी कि पी एक्स के अंदर भाग देना है जी एक्स का। क्या ज्ञात करना है? भाग पर शेष पर ज्ञात करना है, बिल्कुल भाग पर और शेष पर बताना है। तो अपना का पहला क्वेश्चन ये है यानी कि पी एक्स में भाग देना है जी एक्स का, यानी कि इसका भाग देना है इसके अंदर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और माइनस थ्री, इसके अंदर भाग देना है हमको इसका। और इसका भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको बताना है और जो शेषफल आएगा उसको बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग देना है। सबसे पहले ये जो पहली संख्या है एक्स क्यूब, इसके अंदर भाग देंगे मैं एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो बचेगा एक्स, ठीक है। एक्स बचा, एक्स को हमने लिख दिया यहां पर। जो ये एक्स बचा है इसको इन दोनों से मल्टीपल करके, इन दोनों जहां पे स्क्वायर वाली संख्या है वहां पे स्क्वायर निकला है, और जहां पे एक्स वाली संख्या है वहां पे एक्स, और क्यूब वाली संख्या आए तो क्यूब। अगर एक्स वाली संख्या आए और क्यूब वाली संख्या नहीं आए तो क्यूब वाली जगह को खाली छोड़ देंगे और उसको इधर लिख देंगे साइड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे माइनस टू एक्स, ये तो स्क्वायर वाली संख्या है, यहाँ पे टू एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस टू एक्स, ठीक है। अब घटाते हैं तो इसके हम यहाँ पे जो विलोपन विधि आपने कभी पढ़ी होगी, तो इसमें माइनस प्लस का चिन्ह माइनस और माइनस का चिन्ह होता है प्लस, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो दोनों तो आपस में कट गई, बचा ये, इसको उतार दिया, तीन एक्स स्क्वायर पांच और दो गए सात एक्स, और इसको उतार दिया, ठीक है। अब इसके अंदर भाग देंगे हम एक्स स्क्वायर का, फिर से यही पर क्रम चलता रहेगा एक्स स्क्वायर का, इसीलिए कट गया तो आ गया माइनस तीन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस तीन। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा प्लस सिक्स, क्योंकि इसके साथ में कोई एक्स नहीं है और इसके साथ में कोई एक्स नहीं है, तो एक्स वाली संख्या तो आएगी नहीं, तो इस वाली जगह को खाली छोड़ देंगे। फिर से विलोपन विधि में जो हम प्रयोग करते हैं उसी को, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये तो समान हो गए, ये तो आपस में कट गए, ये हो गए सेवन एक्स और ये हो गए माइनस नाइन। अब यहां से देखते हैं हम कि इसका भाग इसमें जा रहा ही नहीं है, तो यही अपना क्या हो गया शेष पर, और ये अपना क्या हो गया भाग पर, और यही अपन को याद करना था। अगला क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो चलो हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पी एक्स के अंदर भाग देना है जी एक्स का, यानी कि इस वाली संख्या का। तो सबसे पहले इसमें आपको इस जो जी एक्स वाली संख्या है इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो इसको हम पहले से ही गलती यहीं पे, तो एक्स स्क्वायर के बाद में हमेशा संख्या आती है एक्स वाली, फिर आती है एक, यह होता है द्विघात दो पद, तो इसका भाग देना है इसके अंदर। तो चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन किसमें देना है, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फाइव के अंदर भाग देना है इस वाली संख्या का, इसमें भाग देना है x4 के अंदर x स्क्वायर से,
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, फिर बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे ये संख्या आई है इसको इन तीनों से गुणा करके इसी प्रॉपर्टी वाली संख्या के नीचे लिख देते हैं, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे तो x 4 आएगा, x की पावर 4 आएगी, तो 4 के नीचे लिखना है ना कि क्यूब आए तो फिर भी 4 के नीचे, नहीं ऐसा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 आएगा तो 4 के नीचे, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्यूब आएगा, x की पावर क्यूब, तो माइनस में, तो यहाँ पे क्यूब की संख्या है नहीं, तो इसको अलग ही लिख देते हैं, यानी कि x की पावर क्यूब, ठीक है, इसके नीचे लिख के गलती मत कर देना, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको गुणा कर दिया तो आ गया एक्स स्क्वायर। अब फिर से अपना वही प्रक्रम विलोपन विधि वाला, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है, ये तो आपस में कट गया, ये कितना हो गया, ये 3 और 1 माइनस 4 एक्स की स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो क्यूब का तो वैसे ही आ गया है, फिर द्विघात बहुपद में तो ऐसे ही होता है कि ये तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब, ये हो गया माइनस 4 एक्स की स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, फिर से इसमें भाग देंगे हम एक्स क्यूब के अंदर एक्स स्क्वायर का, इसका भाग दिया इसमें तो बच गया अपने पास एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक्स प्लस एक्स, फिर से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गई, 4 में से 1 गया तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 4 में से 1 गया तो प्लस 3 एक्स प्लस 5, अभी भी इसमें अंदर भाग जा रहा है एक्स स्क्वायर का, तो 3 एक्स स्क्वायर के अंदर हम भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो इससे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बचा माइनस 3, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 3 एक्स, और इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 3, फिर वही माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, नीचे वाली संख्या का चेंज चेंज निकलना है ना कि ऊपर वाले का, ये तो कट गई, ये भी कट गई, इसको और इसको जोड़ दिया तो आ गया 8, तो यही क्या हो गया अपना शेषफल, ठीक है, और ये क्या हो गया अपना भागफल। अब तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन जरूर कर सकते होंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपनी किताब के पाठ्य पुस्तक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अगर नहीं हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, तो हम उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बोर्ड पर, ठीक है, धन्यवाद।